मधुपुर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीओ दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में आयोजन समिति के सदस्य के अलावा विभिन्न विद्यालयों के प्रधान अध्यापक शिक्षक शामिल हुए। एसडीओ ने विद्यालय के शिक्षकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारी के संबंध में जानकारी ली। एसडीओ ने कहा, पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण सादे समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। इस बार विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा परेड डिस्प्ले के अलावा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया, समारोह स्थानीय डाक बंगला मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रमों का रिहर्सल 13 अगस्त को डाक बंगला मैदान में किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे विद्यालय के छात्र छात्राओं को रिहर्सल कराया जाएगा। बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे सहित विभिन्न विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिक्षक आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। 15 अगस्त को अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आज एक बैठक की गई है स्कूलों के साथ में। स्कूल का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो परेड हो, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो। तो उसी के संदर्भ में आज स्कूलों को बुलाया गया था। स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, करीब 30 विद्यालय यहाँ पर बैठक में आए हैं और उनके साथ विचार विमर्श किया गया कि कौन परेड हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या उसका शेड्यूल रहेगा, क्या टाइमिंग्स रहेगी और कैसे हमको ड्रेस रिहर्सल करना है 15 तारीख को। तो उसी के संदर्भ में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो भी इन्होंने अपने पुराने तजुर्बों से हमें सजेशंस दिए हैं उनको भी अकाउंट में लिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो पाए 15 अगस्त। तो उसी के संदर्भ में निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।